नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बेटियों पर हो रहे अत्याचार, उनकी इस योजना उनकी इस बात की अलग ही वानगी पेश करती है। ताजा मामला के तहत वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गयी जब 12 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या किए जाने की खबर प्रकाश में आई। आशंका है कि बच्चे की हत्या रेप के बाद धारदार हथियार से वार करके की गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मार्ग पर चक्का जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। रोहनिया थाना क्षेत्र की रहने वाले मृतका के पिता की मौत हो चुकी है। वह अपनी माँ और भाइयों के साथ रह रही थी। माँ मायके गई हुई थी। बुधवार की देर रात बड़ा भाई छत पर सोया हुआ था। मृतका और उसका 8 वर्षीय छोटा भाई नीचे सोए हुए थे। देर रात धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सुबह मायके से वापस लौटने पर मां को घटना की जानकारी हुई। घर के अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गई। देखते ही देखते बात जंगल में आग की तरह गांव में फैल गई। मौके पर लोग एकत्र हो गए। आवश्यक लोगों ने चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग थी कि तत्काल हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। डीएम एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने समझा बुझा कर किसी तरह से जाम समाप्त कराया। एसएसपी आनंद कुलकर्णी का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही, गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद मौके पर फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को बुलाया गया था। पुलिस ने वारदात स्थल से कुछ एविडेंस एकत्र किए हैं। मौके पर क्राइम ब्रांच की टीम भी तफ्तीश के लिए पहुंच गई थी। उधर बच्ची की हत्या के बाद मामले की जांच की जा रही। अरे यहाँ खुद ईटा ढोवत रही ना, हमारे यहाँ मतलब की हाँ, और कौन कमाइए बहन के। ये बहुरनपुर गांव है रोहनिया थाने का। इसमें बीती रात में एक परिवार में एक 12 साल की लड़की है, इसकी कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो है हत्या की गई है। जो बॉडी पे जो साइन इंजरीज है वो लग रहा है उससे कि किसी धारदार हथियार से उसके ऊपर वार करके जो उसकी हत्या की गई है। और परिवार के सदस्य जो है कोई घर पे मौजूद नहीं था, सिर्फ उसका बड़ा भाई छत पे सोया था जो बताया जा रहा है, और एक छोटा भाई 8 साल का है वो घर पे मौजूद था। संभवतः घर का दरवाज़ा जो है खुला छोड़ के ये सोए थे, और इनकी माँ जो है अपने मायके गई थी। सुबह जब वो वापस आई तब उनके द्वारा देखा गया कि उनकी लड़की जो है मृतावस्था में वहाँ पे पड़ी हुई है, और इसके संबंध में जो है कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उधर बच्ची की हत्या के बाद मामले की जांच कर रही पुलिस ने गांव के कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है। बच्ची की हत्या के बाद गाँव वालों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा। फिर हैवानियत की भेंट चढ़ी एक और महिला। जी हाँ, भी मासूम बच्चे की हत्या से बनारस शहर उभरा नहीं था कि एक बार फिर एक महिला के साथ दरिंदगी का मामला प्रकाश में आया। ताजा मामले के तहत वाराणसी नगर के कैंट थाना क्षेत्र के सोएपुर गांव में अर्धनग्न अवस्था में एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार महिला के शव को प्लास्टिक की थैले में रखकर पोखरे के समीप फेंक दिया गया था। उनके पास से मिले पहचान पत्र से पुलिस महिला की शिनाख्त की। मृतक महिला लल्लापुरा निवासी है।